हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में। आज लेकर आई हूँ ऐसी कचौड़ियों की रेसिपी जिसके बिना करवा चौथ हो या अहोई अष्टमी या फिर दीपावली या होली, सारे त्योहार अधूरे लगते हैं। आप खाना कितना भी अच्छा बनाएं, लेकिन कचौरी यदि आपकी कुरकुरी और फूली फूली नहीं बनेगी तो सारे खाने का मजा खराब हो जाता है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल करारी एकदम खस्ता कचौरी है। इसे आप 20 कचौरी एक बार में भी बनाएंगे तो भी ये आपकी पिचकेगी नहीं, बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास बन के तैयार होती है। तो चलिए पहले इसे बना लेते हैं और देखते हैं किस तरीके से बनाई गई है। यहाँ 2 से 3 चम्मच मैंने उड़द की काली दाल ली है, और जितनी उड़द की काली दाल ली है उतनी ही दाल मैं यहाँ चने की लूंगी। बहुत ज्यादा ज्यादा हमें इन दालों का यूज नहीं करना है। और आधी कटोरी मैंने यहाँ उड़द की धुली हुई दाल ली है। बस इन तीनों को हम मिलाएंगे और पानी डाल के ओवरनाइट भीगने के लिए रख देंगे। ऐसा नहीं है कि आपको कचौरी बनाने से 1 घंटा पहले भिगोनी है, यदि ओवरनाइट भिगो के रखोगे तो आपकी स्टफिंग बहुत अच्छे से तैयार होगी, कचौरियाँ भी बहुत अच्छी बनेंगी। तो यहाँ मैं ओवरनाइट भिगोंगी। तो यहाँ सुबह हो चुकी है, देख लेते हैं इसकी कंडीशन कैसी है। ये देखिएगा बिल्कुल बढ़िया से फूल चुकी है। इसको अब हम साफ पानी से धो लेते हैं और किसी छलनी में निकाल लेते हैं। इसे पीसते टाइम आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा बारीक भी नहीं पीसना है और बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं पीसना है। इसमें बहुत अच्छे वाला हींग का आपको यूज करना है। आधी कटोरी पानी ऐड करूंगी और इसे पीस लेती हूँ। हींग थोड़ा ज्यादा डालिएगा क्योंकि इन कचौरियों में हींग का ही फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो ये दाल बढ़िया से पिस चुकी है, इसे अभी हम साइड में रखते हैं और इसके लिए आटा निकाल लेते हैं। तो जितना भी आपको कचौरी का आटा तैयार करना है, फिलहाल मैंने यहाँ 200 ग्राम का कप भर के 2 से 2.5 कप मैंने यहाँ आटा लिया है गेहूं का, स्वाद अनुसार नमक, और इस दाल को इसमें ऐड करेंगे। इसमें एक्स्ट्रा हमें और कोई मसाला नहीं डालना है, बस इसको इस तरीके से डो बनाएंगे जैसे नॉर्मल हम आटा तैयार करते हैं कचौरियों का, और थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर इसको बिल्कुल बढ़िया से सेट कर लेते हैं। जब ये एक डो फॉर्म में आ जाए तो 1 चम्मच मैंने यहाँ सरसों का तेल लिया है, और दोबारा से इसे थोड़ा मसल लेते हैं ताकि आटा चिकना हो जाए और कचौरी बिल्कुल फूली फूली एकदम करारी बैठे। तो यहाँ बढ़िया से आटा तैयार हो चुका है। 5 मिनट के लिए इसे रेस्ट पे छोड़ूंगी और 5 मिनट के बाद इसमें लूंगी थोड़ा सा सरसों का तेल। कटोरी में आप ले सकते हैं, मैं फिलहाल साइड में ही ले लेती हूँ। और हाथों पे हल्का सा तेल लगा के इसके पेड़े तोड़ लेते हैं। जो भी साइज आपको कचौरी का चाहिए उस हिसाब से इसके पेड़े बनाइएगा। इसमें हमें स्टफिंग करने की कोई झंझट नहीं रहता है कि स्टफिंग करनी है, कोई दूसरा चाहिए जो भरता जाए और एक जना सेकता जाए, तो कुछ भी इसमें झंझट नहीं है। मेन है बहुत स्वादिष्ट ये बन के तैयार होती है। यदि आपको हाथ पे बढ़ानी नहीं आती है तो चकला बेलन पे भी इसे बेल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हाथों पे ही बनेगी, चकला बेलन पे भी आसानी से बन जाती है। बस हाथों पे या चकला बेलन पे थोड़ा सरसों का तेल लगाइए और ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास आपकी कचौरी बन के तैयार हो जाएंगी। कोई भी फेस्टिवल हो इस तरीके से आप बनाइए, क्योंकि ये कचौरी बहुत आसान है और बहुत ही स्वादिष्ट ये बन के तैयार होती है। तो नॉर्मल जैसे सुनहरा होने तक हम कचौरी फ्राई करते हैं, ठीक उसी तरीके से इन्हें हमें फ्राई करना है। और आप देखिएगा अभी जब बिल्कुल फूली फूली आप ये 20 कचौरी एक बार में सेकेंगे ना, तो ऐसा नहीं है कि हम प्लेट तक, अधिकतर क्या होता है जब कचौरी बनती है और प्लेट तक हम सर्व करते हैं तो वो थोड़ी पिचकने लगती है, थोड़ी दब जाती है। तो इन कचौरियों के साथ ऐसी कुछ भी कंडीशन नहीं है, बिल्कुल फूली फूली एकदम करारी ये कचौरी बन के तैयार होती है। इन्हें आप कच्ची करके भी रख सकते हैं कि मान लीजिए आपने एक तरफ से सेकी है और 20-25 कचौरी एक बार में सेकी, और एक एक इस तरीके से डबल सेकेंगे तो और भी ज्यादा ये करारी बैठेगी। तो इस तरीके से बनाइए और किसी भी त्योहार पे इसका आप आनंद ले सकते हैं। मैं तो फिलहाल इसी तरीके से बनाना पसंद करती हूँ क्योंकि टाइम भी बचता है और स्वाद भी बढ़ता है। आप देख सकते हैं दाल जो हमने डाली थी काली वाली, वो प्रॉपर दिखाई दे रही है, क्योंकि सभी को, बड़े हो या कोई भी हो, सबको दाल की कचौरी बहुत पसंद आती है। तो इस तरीके से बनाइए। यदि रेसिपी थोड़ी भी पसंद आई है तो प्लीज कमेंट्स जरूर कीजिएगा। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहाँ से आप मेरा वीडियो वॉच कर रहे हैं तो ये भी मेंशन कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हर दिन बहुत ही फर्स्ट क्लास कचौरियों की रेसिपी लेकर आऊंगी जब तक फेस्टिवल है। तो कल सुबह फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।